दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सम्राट सर मैथमेटिक्स पर। अगर आप लोग BNMU पार्ट टू के स्टूडेंट हो, यानी अभी तक जो है BNMU ही पूर्णिया यूनिवर्सिटी और BNMU के अंतर्गत आने वाले सभी कॉलेज के स्टूडेंट का डिग्री पार्ट टू का एग्ज़ाम आयोजित करेगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्नातक द्वितीय खंड की परीक्षा पर संशय उत्पन्न। यानी आप लोग जान रहे हैं कि BNMU 12 जून से पार्ट टू की एग्ज़ाम आयोजित करने जा रही है, लेकिन यह भी परीक्षा जो आयोजित होने जा रही है इस पर संशय उत्पन्न हो गया है। तो आइए जानते हैं क्यों संशय उत्पन्न हो गया है, और बहुत कमेंट करके पूछते हैं कि क्या डेट 12 जून से जो परीक्षा होगी यह कंफर्म है या नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस न्यूज़ को देखते हुए कहा जा सकता है कि 12 जून से होने वाली परीक्षा स्थगित हो सकती है। न्यूज को विस्तार से जानिए। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय एवं पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया में 12 जून से आयोजित होने वाली स्नातक द्वितीय खंड की परीक्षा पर संशय उत्पन्न हो गया है, क्योंकि अभी तक पूर्णिया विश्वविद्यालय से BNMU को परीक्षा पर पत्र और शुल्क प्राप्त नहीं हुआ है। इस वजह से पूर्णिया विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं का प्रवेश पत्र नहीं बन पाया है, जबकि BNMU छात्रा अंतर्गत सभी महाविद्यालयों का प्रवेश पत्र बनकर तैयार है कि 29 अप्रैल को राजभवन में पूर्णिया विश्वविद्यालय और BNMU के परीक्षा नियंत्रक के बीच हुए आपसी समझौते के बाद स्नातक तृतीय खंड एवं द्वितीय खंड के परीक्षा की तिथि जारी की गई थी। राजभवन में ही दोनों विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक ने परीक्षा कार्यक्रम पर हस्ताक्षर भी किया था, लेकिन अब पूर्णिया विश्वविद्यालय राजभवन में हुए समझौते के अनुसार BNMU को परीक्षा संचालन में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इस बाबत प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अली ने कहा कि राजभवन में दोनों विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक के साथ हुए समझौते के अनुसार 10 दिन पूर्व पूर्णिया विश्वविद्यालय को परीक्षा प्रपत्र और शुल्क BNMU को भेज देना चाहिए था, ताकि समय पर प्रवेश पत्र बनकर तैयार हो सके। समय पर परीक्षा प्रपत्र नहीं भेजकर पूर्णिया विश्वविद्यालय प्रशासन जानबूझकर परीक्षा में विलंब करना चाहते हैं। वहीं पूर्णिया विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर विनय कुमार ने कहा कि 3 जून को परीक्षा पर पत्र और शुल्क BNMU को भेजा जाएगा। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि 12 जून से होने वाली परीक्षा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। BNMU और पूर्णिया यूनिवर्सिटी से संबंधित सभी न्यूज़ को पाने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।